चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया है। महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के समर्थन से बिहार राज्य में सरकार बना चुके हैं। वहीं शपथ लेने के बाद से ही नीतीश कुमार को बधाई देने की ताता लगी हुई है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई नामी चेहरे ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। वहीं इसी बीच भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव नीतीश के इस फैसले से बेहद ही नाराज नजर आ रहे हैं और खेसारी लाल यादव ने इस फैसले को बेहद ही गलत बताया है। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने नीतीश कुमार के बीजेपी सरकार बनने पर एक बड़ा बयान दे डाला है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया है, नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता बीजेपी के खिलाफ चुनकर सत्ता उनके हाथ में आई थी, इस कारण से उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाना चाहिए था। फिलहाल ये बात ना सच है ये तो खेसारी लाल यादव ही बता पाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई खेसारी लाल यादव की अभिनीत भोजपुरी फिल्म दिलवाला का जलवा तीसरे सप्ताह भी भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। फिल्म में अक्षरा सिंह और खेसारी का जोरदार रोमांस दर्शकों को बेहद ही आनंदित कर रहा है। फिल्म में सीमा सिंह का आइटम तड़का ही बहुत ही रोमांचित करता है।